मध्य प्रदेश की राजनीति के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ली है। कांग्रेस में कभी राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के दिन कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरकार कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन संभाल लिया है। बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुलदस्ता भेंट कर किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया है। वहीं कहा कि उन्होंने अपने परिवार में स्थान दिया। सिंधिया बोले कि मेरे जीवन में दो तारीख काफ़ी अहम रही हैं। इनमें पहला 30 दिसंबर 2001 जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया, वो जिंदगी बदलने वाला दिन था, और दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 जहां जीवन में एक बड़ा निर्णय मैंने लिया है। सिंधिया बोले कि आज मन व्यथित है और दुखी भी है। जो कांग्रेस पार्टी पहले थी वो आज नहीं रही। उसके तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला कि वास्तविकता से इनकार करना, नई विचारधारा और नेतृत्व को मान्यता नहीं मिलना। 2018 में जब एमपी में सरकार बनी तो एक सपना था, लेकिन वो बिखर चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस में रहकर जनसेवा नहीं की जा सकती। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में ट्रांसफर माफिया का उद्योग चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मुझे एक नया मंच देने का मौका दिया है। पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि राजमाता सिंधिया जी ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और विस्तार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उनके पोत्र हमारी पार्टी में आए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के सदस्य हैं, ऐसे में हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय नड्डा साहब को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो दो दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001 जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया, एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है।
भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और तीन मुख्य बिंदु हैं, एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर ये स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब ये स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब में मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।